हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी फिर से न्यू वीडियो में। आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ कुछ अट्रैक्टिव सा, कुछ तड़कता भड़कता। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक चार्जिंग की वीडियो चल रही है जो कि पिछली वीडियो में मैंने बनाया था। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ देख लें। इस चार्जर पर मैं दूसरी साइड एक फेस बनाऊँगा थोड़ा अट्रैक्टिव सा, ताकि पता लगे कि वो मेरा चार्जर है, जिससे कि घर में कोल्ड वॉर ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बाबा जी ड्रॉ कर लेता हूँ जो बालों में लदे हुए हैं अच्छी तरह। फेस का आकार निकाल रहा हूँ मैं पूरी तरह से पेंसिल से। अब मैं इस पर कलरिंग कर रहा हूँ। मैंने लगाया सबसे पहले ब्राउन कलर, हल्का सा येलो मिक्स कर लिया है उसमें। वैसे इन बाबा जी पे कलर करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चार्जर प्लेन है और इस पर बार बार सूख जा रहा है कलर, और मुझे बार बार पानी लगाना पड़ रहा है। और इनके बाल बहुत ज़्यादा हैं, आप देखिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये बाबा जी अगर मेरे चार्जर पर बने रहेंगे तो मुझे अच्छा लगा रहेगा, मेरे चार्जर की हिफाजत करेंगे ना हमेशा। तो कभी आप भी बनाइए। तो बाबा जी के मत्थे पे एक साइड में ब्राउन कलर से शेड दे रहा हूँ, ताकि डार्कनेस है वहाँ पर एक तरफ उजाला और एक तरफ डार्कनेस देखनी चाहिए। तो मैं फेस में ब्राउन कलर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बाबा जी का चेहरा ज़्यादा लाइट या फिर ज़्यादा डार्क ना चमके। ब्राउन और येलो को मिक्स करके, और ब्राउन और ब्लू को मिक्स करके मैंने बालों में दिया है, और येलो से थोड़ी लाइटनेस लगा रहा हूँ ताकि बाल थोड़े थोड़े चमके। बाबा जी बड़े अट्रैक्टिव बनने वाले हैं। तो फेस भी बन गया है, मैं इसके बालों पर और कपड़े में ब्लू और ग्रीन का मिक्सर लगा रहा हूँ थोड़ा अलग करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे चार्जर पर बन चुकी है पेंटिंग। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब ये बड़ा ही अनोखा और यूनिक चार्जर हो गया है, कोई भी इसको देखकर पहचान जाएगा कि ये मेरा चार्जर है। ठीक है, तो कोई भी मुझसे कोल्ड वॉर नहीं करेगा। अब मैं उल्टा कर सकता हूँ तो उसका मैं कह नहीं सकता। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।